हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको श्री दिवाली पूजन के विषय में बताएंगे, जिसमें श्री माता महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आइए संपूर्ण पूजन विधि जानते हैं। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य, सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी हैं। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सतबुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके समवेत पूजन से सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ एवं पूजन स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धापूर्वक सायं काल के समय इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी अर्थात सिक्कों को भी रखना चाहिए। रुपयों को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री को यथा स्थान रख लें। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख हो शुद्ध आसन पर बैठ जाना चाहिए। या आप पूर्व की ओर मुख कर लें या उत्तर की ओर मुख कर लें। सर्वप्रथम इस मंत्र के द्वारा आचमन करना चाहिए। ओम आचमन करना चाहिए, तीन बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम हृषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद हाथ धुल लीजिए। इसके बाद आसन के चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा जल छोड़े इस मंत्र को पढ़ते हुए आसन शुद्धि के लिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अब पवित्रीकरण करें। इस मंत्र के द्वारा समस्त पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर भी जल का छिड़काव करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवा हि आभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद तिलक धारण करें मस्तक पर इस मंत्र के द्वारा। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक धारण करने के बाद शिखा को बांधना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। ओम चिद्रूपिणि महामाये दिव्य तेजः समन्विते, तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। शिखा ना हो तो रूमाल से सर को ढक लें। इसके बाद पवित्री धारण करें अनामिका उंगली में या कोई धातु की अंगूठी को धारण करें, अन्यथा कुशा से बनी हुई पवित्री को धारण करें इस मंत्र के द्वारा।
ओम पावितरेस्थो वैष्णवियो सावितुर्बाहा प्रसव उत्पूनाम्यक्षिद्रेण पावितरेण सूरजस्य रश्मिभिः तस्य ते पावितरपते पावितरपूतस्य जतकामाः पुने तक्षकेयम् माम। इसके बाद दीपक प्रज्वलन करें और दीपक को चावल या किसी पात्र में रखें, डायरेक्ट पृथ्वी पर दीपक को नहीं रखना चाहिए। और सभी देवी देवताओं के दाहिने भाग में रखना है। घी का दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद गंधाकृत पुष्प हाथ में लेकर किस मंत्र को बोलते हुए दीपक पूजन करना है। ओम भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। ओम दीपस्थ देवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गंधाक्षत पुष्प छोड़ करके भगवान दीपक देवता को प्रणाम कर लेना है। इसके बाद माता पृथ्वी का पूजन करेंगे हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के। ओम आधार भूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थिताशि अपाम स्वरूप स्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलंगवीर्ये। ओम भूः पृथिव्यै नमः। गंधाक्षत पुष्प छोड़ दीजिए पृथ्वी माता में और प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद शंख पूजन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम शंखाय नमः। चंदन पुष्पादि भगवान शंख देवता को लगाएं, प्रणाम करें। इसके बाद घंटा का पूजन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम च रक्षसां कुरु घंटे वरम नादम देवतास्थान सन्निधौ। ओम घंटा स्थिताय गरुणाय नमः। गंधाक्षत पुष्प भगवान गरुण देवता में छोड़ दें। इसके बाद दिग रक्षण करें। बाएं हाथ में पीली सरसों या चावल लेकर के दाहिने हाथ से ढक करके और इन मंत्रों को बोलते हुए अभिमंत्रित करके दसों दिशाओं में छोड़ना है। ओम यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतु अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस् तेन स्यन्तु शिवाग्नया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्म समारभे। इसके बाद दसों दिशाओं में छोड़ दीजिए। पीली सरसों हो तो पीली सरसों अथवा चावल। छोड़ने के बाद स्वस्ति वाचन का पाठ करें। हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करें। आइए स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। हरि ओम मा आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विषवातो दबधाशो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जाथा सदा मृद्वृधे आसन्न परायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशुमतिर्रिजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां माम् देवाना गुंसखियमुपशेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वायानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमादितिं दक्षमश्रिधं मा
अर्जमाणं वारुणग्ं सोमामसवीना सरस्वतीनाः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मायो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमाशुतो मायो भुवस्तदश्विना श्रीडुतं धृष्ण्यायुवं मा तमीशानं जगतस्तस्थुखशपतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयं मा पूका नो जथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखदशवामारुताः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदथे खुजग्मायाः अग्निजिह्वामानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यासेमहि देवहितं जरायुः सतमिन्नो जरदो अन्तिदेवा जदरानश्चकराजरसं तनूनां माम् पुत्रासो जतरपितरो भवन्ति मानो मधियारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादित्तिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोघधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद
मांगलिक श्लोकों का पाठ करना चाहिए। आइए मांगलिक श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं च दुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेतेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ईशामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को गणेशाम्बिका पर चढ़ा दें। इसके बाद दाहिने हाथ में जल अक्षत और द्रव्य लेकर के संकल्प करें। तीन बार विष्णु जी का स्मरण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे अमुकक्षेत्रे अमुकनगरे ग्रामे वा अमुकनाम्न संवत्सरे मासोत्तमे मासे कार्तिकमासे कृष्णे पक्षे पुण्यायाम् अमावस्यायां तिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकनाम शर्मा वर्मा गुप्तः दासः अहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलावाप्तिकामनया ज्ञाताज्ञात कायिक वाचिक मानसिक
सकल पाप निवृत्तिपूर्वकम् स्थिरलक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् महालक्ष्मी पूजनम् कुबेरादीनाञ्च पूजनम् करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनञ्च करिष्ये। यह संकल्प वाक्य पढ़कर जलाक्षतादि गणेश जी के समीप छोड़ दें, अनंतर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें करना चाहिए। गणेश पूजन हमने सर्वप्रथम बता रखा है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके द्वारा आप गणेश पूजन करना सीख लेना। हम आपको आज माँ भगवती श्री महालक्ष्मी का पूजन बताएंगे। आइए, इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जो नूतन प्रतिमा है उसका आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। बाएं हाथ में अक्षत लेकर निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से उन अक्षतों को माँ भगवती लक्ष्मी जी की प्रतिमा के ऊपर छोड़ते रहना चाहिए। इन मंत्रों को बोलते रहना चाहिए। ओम मनो ज्योतिर्जोखताम्माद्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं जज्ञगुंशमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से बोल करके आपको माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इसके बाद सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी का हाथ में फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करें। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैस्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरथदस्त्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प अर्पण करें। आप श्री महालक्ष्मी जी का पूजन श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा भी कर सकते हैं, हम उनको भी बताएंगे और जो विशेष मंत्र हैं उनको भी बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान के बाद आवाहन करते हैं ओम इन मंत्रों के द्वारा। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्य प्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवी मावाहयाम्यहम्। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामशुवं पुरुषानहं। ओ महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मीं आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहन के लिए भी माँ भगवती के ऊपर पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद माँ भगवती को आसन प्रदान करें। आपके पास जो भी पुष्प हों, कमल के हो सकते हैं, गुलाब के, गेंदे के, जो भी पुष्प हों माँ भगवती को अर्पण करें आसन के रूप में। ओम तप्त कांचन वर्णाभम मुक्ता मणिविराजितम अमलम कमलम दिव्यम आसनम प्रतिगृहीयताम। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं
श्रियं देवीमुपभवे शीर्मा देवी जुषताम। ओ महालक्ष्मी नमः। आसनम समर्पयामि। आसन के लिए कमलादि के पुष्प अर्पण करें। इसके बाद माँ भगवती के पैर धुलाने के लिए चंदन पुष्पादि युक्त जल अर्पित करें। ओम गंगादि तीर्थ संभूतम गंधपुष्पादिभिर्युतम पाद्यम ददाम्यहं देवी ग्रहाणाशु नमोस्तुते। ओम काम शोष्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहूपहवेशियम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। इसके बाद माँ भगवती को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य में अष्टगंध मिश्रित चंदन हो, जल अर्घ पात्र में देवी के हाथों में दे दें। इसके बाद उन पे वह जल अर्पण करना है। ओम अष्टगंध समायुक्तम स्वर्ण पात्र प्रपूरितम अर्घ्यम गृहाण मद्दत्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियं देव लोके देवजुष्टा मुदाराम ताम पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओ महालक्ष्मी नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़े। ओम सर्वलोकस्य या शक्तिर् ब्रह्म विष्णुवादिभिः स्तुता ददाम्याचमनं तस्यै महालक्ष्म्यै मनोहरम्। ओम आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आत्मनीयं जलं समर्पयामि। आचमन के लिए जल चढ़ा दें। इसके बाद स्नान कराए माँ भगवती को। ओम मंदाकिन्याः समानीतैर् हेमाम्भोरुहवाशितैः स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद माँ भगवती को दूध से स्नान कराएं। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम् ओम पयः पृथिव्यां वाय ओखधीघुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पायशवाती प्रदिशाः सन्तु महिजं मा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। दधीशि स्नान करायन मंत्रो द्वारा। ओम पयसस्तु समुद्भूतं मधुरां लंससि प्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम दधिक्रावाणो आकारिखं जिष्णो रसवस्यावाजिनः सुराभिनो मुखाकारत् प्राण आयु गुंखितारिखत। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद घी से स्नान कराएं। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम् धृतम तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम घृतम घृतपावानः पिबत वशां वशापावानः पिबतांतरिक्षस्य यः वीरस्य स्वाहा दिशाः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओ महालक्ष्म्यै नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद मधु से स्नान कराएं अर्थात शहद से स्नान कराएं। ओम
तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्ध्वीर्णः सन्तोखधीः मधुनक्तमुतोखशो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः मार्ध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओ महालक्ष्म्यै नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद चीनी से स्नान कराएं। ओम इक्षुषार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिग्रहीयताम्। ओम अपागुंरस मुदवायस गुं सूर्ये संतगुं समाहितं मा अपागुंरसस्ययोरसस्तं वो गृह्णान्युत्तममुपयामगर्हीतोषीन्द्राय त्वाजुष्टम् गृह्णाम्येखते यो निरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं मा। ओ महालक्ष्म्यै नमः। शर्कराय स्नानं समर्पयामि। शर्कराय स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। ओम पयोदधिधृतं चैव मधु शर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पंच नदियाः सरस्वती मा पियन्ति शस्रोतशः सरस्वती तु पंचधाशो देशेद्भवत्सरित। ओ महालक्ष्म्यै नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद यदि अभिषेक करना अभीष्ट हो तो शुद्ध जल या दुग्धादि से श्री सूक्त का पाठ करते हुए अखंड जलधारा से स्नान अर्थात अभिषेक करें। मृणमय प्रतिमा अखंड जलधारा से क्षरित न हो जाए इस आशय से धातु की मूर्ति या द्रव्य लक्ष्मी पर अभिषेक किया जाता है। इसे पृथक पात्र में करना चाहिए। महाभगवती लक्ष्मी जी का आप अभिषेक करना चाहते हैं तो आप अभिषेक कर सकते हैं श्री सूक्त के पाठ के द्वारा। अभिषेक करने के बाद गंधोदक स्नान करना चाहिए, कराना चाहिए। मलयाचल संभूतम चंदनागरुसंभवम चंदनम देवदेवेशी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओ महालक्ष्मी नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। चंदन मिश्रित जल से स्नान कराना है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओ महालक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगाजल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदनंतर प्रतिमा का अंग प्रोक्षण कर उसे यथा स्थान आसन पर स्थापित करें और निम्न रूप से उत्तरांग पूजन करें। शुद्धोदक स्नान के बाद महालक्ष्मी नमः ऐसा कहकर आचमनी के लिए जल छोड़ दें, एक आचमन जल छोड़ दें। इसके बाद वस्त्र माँ भगवती को पहनाएं। ओम दिव्यांबरम नूतनम ही क्षोमम त्वति मनोहरम दीयमानम मया देवी गृहाण जगदंबिके। ओम उपैतु माम देवसखा कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। ओ महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्र चढ़ाए माँ भगवती को अब। ओम कंचुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाणत्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी। ओ महालक्ष्मी नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। इसके बाद मधुपर्क
कांस्य पात्र में स्थित मधुपर्क समर्पित कर आचमन के लिए जल देना है इस मंत्र के द्वारा। ओम कांसे कांसे न पिहितो दधि मध्वाज संयुतः मधुपर्को मयानीतः पूजार्थम प्रतिग्रहीयताम। मधुपर्क के बाद आभूषण माँ भगवती को चढ़ाएं। ओम रत्न कंकण वैदूर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम असमर्थिंच सर्वां निरुद्ध मे गृहात्। ओम महालक्ष्मी नमः। नाना विधानि कुंडल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। इसके बाद माँ भगवती को चंदन लगाएं। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृहीयताम। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधम समर्पयामि। इसके बाद रक्त चंदन चढ़ाएं। रक्त चंदन समृश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृहीयताम। ओम महालक्ष्मी नमः। रक्त चंदनम समर्पयामि। इसके बाद सिंदूर चढ़ाए माँ भगवती को। ओम सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलके प्रिये सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्या दत्तम मया देवी सिंदूरम प्रतिगृहीयताम। ओम सिंधोरिव प्राधवनेषु घनाशो वात प्रमियः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुखो न वाजी काष्ठान् भिन्दन्नूर्मिर्भिः भिन्वमानः। ओम महालक्ष्मी नमः। सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद कुंकुम चढ़ाएं। ओम कुंकुमम कामदम दिव्यम कुंकुमम कामरूपिणम अखंड काम सौभाग्यम कुंकुमम प्रतिगृहीयताम। ओम महालक्ष्मी नमः। कुंकुमम समर्पयामि। इसके बाद इतर चढ़ाएं अर्थात पुष्पसार इत्र। ओम तैलादि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थम गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। सुगंधित तैलम पुष्पसारं च समर्पयामि। इसके बाद अक्षत चढ़ाएं। देशाचार में कहीं कहीं महालक्ष्मी को अक्षत के स्थान पर हल्दी या धनिया तथा भोग में गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, धनिया चढ़ा सकते हैं और चावल भी चढ़ा सकते हैं। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। अक्षतान् समर्पयामि। इसके बाद पुष्प और पुष्पमाला इन मंत्रों के द्वारा। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीयताम। ओम मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। ओम महालक्ष्मी नमः। पुष्पं पुष्पमालाञ्च समर्पयामि। इसके बाद दूर्वा चढ़ाएं। ओम विष्णुवादि सर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनां क्षीरसागर संभूते दुर्वां स्वीकुरु सर्वदा। ओम महालक्ष्मी नमः। दुर्वां गुरां समर्पयामि। इसके बाद अंग पूजा की जाती है माँ भगवती की। रोली कुंकुम मिश्रित अक्षत पुष्पों से निम्नांकित एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए अंग पूजा करें। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। जिस अंग का नाम आए उस अंग में अक्षत और पुष्प छोड़ते जाएं। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षःस्थलं पूजयामि।
ओं कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओं पद्मानायै नमः मुखं पूजयामि। ओं कमलपत्राक्ष्यै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओं श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओं महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इसके बाद अष्ट सिद्धि पूजन होता है। इस प्रकार अंग पूजा के अनंतर पूर्वादि क्रम से आठों दिशाओं में आठों सिद्धियों की पूजा कुंकुमाक्त अक्षतों से देवी महालक्ष्मी के पास निम्नांकित मंत्रों से करें। आठों दिशाओं में ओम अडिमने नमः, पूर्व भाग दिशा में करना है। ओम महिमने नमः, जैसे हम नमः बोल रहे हैं वहां पर अक्षादि पुष्प को छोड़ देते जाना है। आठों दिशाओं में ओम गरिमणे नमः, ओम लघिमने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। इसी प्रकार से आठों दिशाओं में अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना है। ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः, ओम कामलक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः, ओम भोगलक्ष्म्यै नमः, ओम योगलक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार पूजन के पश्चात धूप दिखाए माँ भगवती को। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम करदमेन प्रजाभूता महिषं भवकरदमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। ओम महालक्ष्मी नमः, धूपमाघ्रापयामि। इसके बाद दीप दर्शायें। ओम कार्पाशवर्तिसंयुक्तं धृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी। ओम आपः सृजन्तु सिग्नानि चिकलितवशमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। ओम महालक्ष्मी नमः, दीपं दर्शयामि। इसके बाद हाथ धुलने और नैवेद्य लगाए माँ भगवती को। ओम नैवेद्यम गृह्यतां देवी भक्षभोज्य समन्वितं षड्रसैरन्वितं दिव्यं लक्ष्मीदेवी नमोस्तुते। ओम आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदुम आवह। ओम महालक्ष्मी नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्त प्रक्षालनार्थं मुख प्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। पांच चम्मच जल छोड़ दें। इसके बाद करोड़ वर्तन कर दें। दोनों अनामिका उंगली में चंदन लगा करके माँ भगवती के ऊपर छिड़कें। ओम महालक्ष्मी नमः कह करके इसके बाद आचमन। शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितं आचम्यतां जलं हेतत् प्रसीद परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद ऋतुफल चढ़ाए माँ भगवती को। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। ओम महालक्ष्मी नमः, अखंड ऋतुफलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूलपत्र चढ़ा दें माँ भगवती को। ओम पूगीफलम महद्दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम एलाचूर्णादिसंयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम आर्द्राम यह करणीम यष्टिम स्वर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हृणमयीम लक्ष्मीम जातवेदुमावह। ओम महालक्ष्मी नमः, मुखवासार्थे ताम्बूलम समर्पयामि। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोः अनन्तपुण्यफलदं मतः शान्तिं प्रयक्षमे। ओम तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासो स्वान्विन्देयं पुरुषानहं। महालक्ष्मी नमः, दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद नीराजन करें, कर्पूरारती कर दें। ओम चक्षुरदं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणं आर्तिकं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः, नीराजनं समर्पयामि। आरती ले लें, जल छिड़कें, हाथ धो लें, इसके बाद प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम महालक्ष्मी नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद हाथ जोड़ करके माँ भगवती को
प्रणाम कर लें और प्रार्थना करें इन मंत्रों के द्वारा। ओम सुरा सुरेन्द्रादि किरीट मौक्ति कैर युक्तम सदाय तव पाद पंकजम परावरम पातु वरम सुमंगलम नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये भवानी त्वं महालक्ष्मीः सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये यागतिस्त्वत्प्रपन्नानां सामे भूयात्वदर्चनात्। ॐ महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दे माँ भगवती के ऊपर और प्रणाम कर लें। समर्पण के लिए पूजन के अंत में हाथ में जल ले लें और ऐसा बोलते हुए उस जल को महालक्ष्मी जी के पास छोड़ दें। ओम कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियंताम नमः। जल छोड़ने के बाद माँ भगवती को प्रणाम कर लें। भगवती महालक्ष्मी के यथालब्धोपचार पूजन के अनंतर महालक्ष्मी पूजन के अंग रूप श्री देहली विनायक मशिपात्र लेखनी सरस्वती कुबेर तुलामान तथा दीपकों की पूजा की जाती है। उसे हम अगले आपको वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। जो हमने आपको अभी बताया उसी प्रकार से अभी इनका पूजन करने के उपरांत फिर महालक्ष्मी जी की आरती होती है, सभी की आरती होती है, फिर प्रसाद आदि लिया जाता है, फिर और भी पाठ किए जाते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए श्री शुक्र का पाठ कर सकते हैं और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा सदैव बरसाती हैं। इसलिए हम अगले वीडियो में आपको बताएँगे संपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।